आज जो है हरियाणा की जनता ने जो फैसला किया और देश की जनता ने जो फैसला किया है केंद्रीय सरकार के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में 5 साल केंद्रीय सरकार ने एक स्वच्छ शासन दिया है और देश का मान सम्मान बढ़ाया है और देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, उस सब पर जनता ने मोहर लगाई। जो गरीब आदमियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्कीमें थी उन सब पर मोहर लगाई हो, और हरियाणा में जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वच्छ प्रशासन दिया था उस पर मोहर लगा के सोनीपत के लोगों ने हरियाणा एक बात का फैसला किया है, यहाँ जात पात की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, बल्कि विकास के रास्ते पर यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। और एक स्वच्छ प्रशासन जो हमने दिया है उस पर यह मोहर लगी है, ये उसी की जीत है। और जो हमने सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र में और देश के लिए जो विकास के काम किए हैं और हरियाणा प्रदेश में एक नौकरियों में हो चाहे तबादलों में, जो पहले जो हाल था उसको स्वच्छ तरीका अपनाना और बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा समान विकास करना, इस सब कामों पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई। भूपेंद्र हुड्डा ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए, ये तो इनका काम है, इसमें कोई खास बात नहीं, ये तो अब सामने रोज सारे ना बोल रहे हैं, जितने चुनाव हारने वाला यही बोलता है। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये जीते जब तो नहीं कहा, या कर्नाटक, ये तो इनका एक, ये तो सारी कांग्रेस नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि ये तो हारे हुए हैं पूरी तरह से।